जैसे कि हेडलाइन जब मैंने पढ़ी, इंटरव्यू कई अखबारों में निकले, मैंने कोशिश की कि एक एक इंटरव्यू पढ़ा जाए, और जब मैंने इंटरव्यू पढ़ा तो मुझे हेडलाइन बड़ी अच्छी लगी। जो सरकार ने कहा वो आपने नहीं छापा, सरकार ने जो कहा उसमें थोड़ा सा आपने बदल दिया, जो हर तरीके से चटपटी न्यूज़ बनाने के लिए होता है। सरकार ने कहा कि अराजकता लूट खसूट, अराजकता लूट खसोट और असुरक्षा के माहौल से प्रदेश को सरकार ने कहा युक्त कराया, लेकिन आपने लिख दिया मुक्त कराया। फिर पढ़ूं, अराजकता, क्योंकि ये फोटो खराब खींचना चाहते हैं, वहां तो पास नहीं पहुंच पाए। अराजकता लूट खसोट और असुरक्षा के माहौल में से प्रदेश को युक्त कराया, ये सरकार ने कहा और आपने लिख दिया मुक्त कराया। कितनी बड़ी गलती आपने कर दी। सरकार ने कहा युक्त कराया और आपने कहा कि मुक्त कराया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग। जब मैं टीवी देख रहा था, मुख्यमंत्री जी को देख रहा था, सुन रहा था, तभी उन्नाव की घटना आ रही थी कि दो पक्षों में गोलीबारी चल रही है, एक दूसरे पर फायरिंग हो रही है, एक दूसरे पर फायरिंग और कानून व्यवस्था के नाम पर। सरकार के आंकड़े जो बताते हैं, जो सरकार बता रही है, और अगर होम डिपार्टमेंट के आंकड़े देख लें तो बेटियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, अभी तक सबसे ज्यादा घटनाएं होती नजर आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। हाल ही में हम किस शहर का बताएं आपको कि जहां पर घटना नहीं हो रही है। मैनपुरी की घटना की, 11वीं की बच्ची के साथ जो घटना हुई नवोदय विद्यालय में, लेकिन शासन प्रशासन क्या कर रहा है, न्याय नहीं मिल रहा उसको। इसी तरह सुल्तानपुर में एक बेटी के साथ हुआ है, सुल्तानपुर में जो हुआ है बेटी के साथ वो कल्पना नहीं की जा सकती है, और अभी तक कई हफ्ते गुजर गए हैं, कई दिन गुजर गए हैं, कोई न्याय नहीं मिला है उधर।